सूचना आज नहीं। सर कांग्रेस के प्रवक्ता कार्यकर्ता सभी अब कमलनाथ जी की तस्वीर लगाने लगे हैं, जबकि सोनिया जी या कांग्रेस का जो होता है तो सर देखो अब कांग्रेस पीसीसी बदल के अब केसीसी हो गई है मध्य प्रदेश के अंदर, तो कमलनाथ जी का जब केसीसी है कमलनाथ कांग्रेस है तो फिर क्या दिक्कत है कमलनाथ जी का लगा। अपने प्रवक्ताओं का टेस्ट उन्होंने कराया है सर, उसमें जो नंबर आए उनके प्रवक्ताओं के वो बड़ा बताने लायक नहीं है। पूरी कांग्रेस की जो स्थिति है वही प्रवक्ताओं की स्थिति है, पर इतने वरिष्ठ लोग हैं अब इनका भी टेस्ट हो रहा है, जबकि अगर कोई कमलनाथ जी का टेस्ट ले ले तो वही फेल हो जाए। ये स्थिति पूरी कांग्रेस की है, इसलिए अकेले प्रवक्ताओं से काय को जोड़े हैं अपन इसको। जो विषय ध्यान में आया है मैंने बोला है, मेरे को रिपोर्ट होगी। सर ये जो ईडी के दफ्तर में बीजेपी के फ्लैग जो लगा दिए हैं इस तरीके की चीजें कांग्रेस कर रही है, कितना ठीक है? इंदौर ईडी को सर इलेक्शन बनाना है, बीजेपी कार्यालय बना दिए। ये कांग्रेस की मानसिकता है देखो मित्रों, और यही मानसिकता वो समझ नहीं पा रहे हैं, इसी के कारण से वो रसातल की ओर जा रहे हैं। पूरी की पूरी कांग्रेस जो अपने आप को बचाती और छुपाती है, अपनी पार्टी और दल को नहीं संभाल पाती है और भाजपा की तरफ देखते रहते हैं, हमारे ऊपर कमेंट्स करते हैं, अपने दल को संभालो वरना अगली बरसात में ये दीवार भी ढह जाएगी। मैं समझ नहीं पाया कांग्रेस क्यों प्रदर्शन कर रही है, पूछताछ से परेशान क्यों होना? आप अगर सही है तो डर काहे का? आप अपनी बात ईडी के सामने रखो, और आपको लगता है कि ईडी सही नहीं है तो आप मीडिया के सामने रख दो आप, तो देश देख लेगा कि वास्तव में सच क्या है। लेकिन सच सामने आना तो चाहिए। 5,000 करोड़ का घोटाला है, छोटा मोटा घोटाला नहीं है, और ये सब जांच एजेंसी पर जो दबाव बनाने की कांग्रेस की कोशिश है ये ठीक नहीं मानते हम। जो सच है वो सामने आना चाहिए, पूरा देश जानना चाहता है। जन समस्या को लेकर कांग्रेस कभी नहीं आती, एक परिवार की समस्या को लेकर कांग्रेस सड़क पर जरूर आती है। आपने बाढ़ आ रही है देश के बड़े हिस्से में, कई प्रांत बाढ़ से सरोबोर है, एक कांग्रेस के नेता का बयान नहीं सुना होगा, लेकिन सोनिया जी को ईडी में बुला दिया तो हाहाकार हो गया देश के अंदर, कोरोना फैला, एक न सोनिया जी दिखी, न राहुल जी दिखे, न कमलनाथ दिखे, न दिग्विजय सिंह दिखे अस्पताल में, लेकिन एक परिवार पे आज ये परिवारवादी पार्टियां, इनका अपना कोई विचार नहीं है, ये परिवार से चलते हैं। वो जाएंगे भी नहीं दिल्ली पे, अब सड़क पे बैठने लायक राहुल बाबा ही ठीक है, कमलनाथ जी की स्थिति अभी ऐसी है नहीं, उम्र का तगादा है, आशीर्वाद की मुद्रा में। राठौर जी हैं, कल मैंने एसआईटी का कहा था, उसमें एक एडिशनल एसपी, एक एसडीओपी, 3 PI, 4 सब इंस्पेक्टरों की एसआईटी बना दी गई है। उसके घर से एक उसका कंप्यूटर भी मिला है, लैपटॉप, और उस लैपटॉप को सिवनी मालवा से जो मिला है उसको अब जांच के लिए फॉरेंसिक एनालिसिस करने के लिए साइबर सेल को हम दे रहे हैं, तो उसमें भी कोई और प्रमाण मिल जाए तो उसे हम देख लें। जो मोबाइल में उसकी आखिरी पोस्ट जो उसने डाली थी उसमें भी हमने ये देखने की जांचने की कोशिश की है कि उसके मोबाइल का प्रयोग किसी और ने तो नहीं किया है, जो प्रथम दृष्टया तो अभी तक नहीं आया है। जो फोटो पोस्ट हुआ उसमें भी ये जांचने की कोशिश की किसी और ने तो नहीं किया है, तो वो अभी तक नहीं आया है। परिवार वालों को भी मालूम है कि वो विन पॉइंट करेंसी जैसे शेयर बाजार टाइप का व्यवसाय का इन्वेस्टमेंट करता था, कोई भी उसके पूरे मोबाइल में धर्म से संबंधित टिप्पणी इस तरह की नहीं आई है। वैसे भी ये मध्य प्रदेश है, या किसी को इस तरह की हरकत करने की या शांति भंग करने की इजाजत
मध्य प्रदेश नहीं देता है। ये पूरा मध्य भोपाल के जो हमने सीसीटीवी खंगाले हैं उसमें 4:08 पर यह टीटी नगर में से सिवनी मालवा निकलने की इसकी पुष्टि हुई थी। 5:09 पर उसे बांसकुवर के आईओसीएल पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरे में अकेला देखा था। 5:26 पर उसको उसके फोन से ऑफ इंडिया का सिर्फ वाला जो नारा है वो आर्टिकल देखा गया, उसी के फोन से फोटो एडिट कर जोड़ा गया। 5:48 पर उसी फोन से इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर हुई। 5:50 पर उसी फोन से फेसबुक पर फोटो शेयर हुई है। 6:02 पर मौके से गुजरने वाली ट्रेन से उसकी मृत्यु हुई है। फोन की फॉरेंसिक जांच और विवेचना अभी लगातार जारी है। 7:00 निशांक राठौर पिता उमर शंकर राठौर का शव 24/7/22 को चौकी बरामद हुआ है। उसकी एक्टिवा घटना स्थल से 100 मीटर दूर सड़क किनारे मिली। ये सब जांच के विषय है और चूंकि एसआईटी बन गई है तो मेरे कुछ भी बोल देने से जांच भी प्रभावित होती है। सर, हिंदू संगठन की जो है उस पर इनाम घोषित कर दिया है कि हथियारों को, ये सब चीजों से भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा? मैंने कल भी कहा था कि इन सब चीजों से भ्रम पैदा होता है और अभी जांच ठीक दिशा में जा रही है, उसकी जांच होने दें। लगभग मैंने आपको मिनट टू मिनट बता ही दिया है, लगभग तो आ ही गया है, बाकी भी आए जल्दी। फोटो वायरल हुआ है, न्यूज फोटो है, मैं भी आपत्तिजनक ही मानता हूं उसे। इस तरह के न्यूड फोटो जो शूट कराते हैं मैं गलत मानता हूं इन्हें। एक बड़ा वर्ग इन एक्टरों का समर्थक भी होता है और इस तरह के दृश्यों से समाज में मानसिक प्रदूषण फैलता है और मानसिक प्रदूषण नहीं फैले इसके लिए सबको विचार करना चाहिए समाज के अंदर।